वलसाड काठा विस्तार में बन्यो चकचार बनाव, टंडेल समाज में प्रसरी नाराजगी, त्यारे खलासियों ने बोट में फिशिंग माटे लई जाय ढोर मार मारी, जुलम गुजारनार बोट मालिक सामे पुलिस क्यारे भरसे पगला। प्राप्त थती विगतो अनुसार वलसाड़ना डुंगरी गामे रहता अने मुंबई दरिया किनारे थी फिशिंग व्यवसाय करता पिता पुत्र शांतिलाल पुना टंडेल अने एनो पुत्र महेश शांतिलाल टंडेल जो द्वारा वलसाड़ना मोटी दाती अने काठा विस्तार में रहता नाना मोटा खलासियों ने पोतानी बोट पर माछीमारो व्यवसाय करवा लई जता होय छे अने पछी बन्ने पिता पुत्र द्वारा तेमनी फिशिंग बोट पर काम अर्थे आवता कामदारों ने पैसा चुकवा बाबते माथाकूट करी मार मारवानी फरियादो अवारनवार सांभळवामां आवी छे। त्यारे गत रोज तारीख 27 डिसेम्बर ना रोज वलसाड दाती गामे रहता महेश टंडेल अने अन्य 3-4 खलासियों मुंबई ना भावचा धक्का पासे इजाग्रस्त हालत में मळी आव्या हता, जेओने कार मार्फते तेमना परिवार ना सभ्यो मुंबई थी गंभीर रीते इजाग्रस्त हालत में परत घरे लाव्या हता। ज्यां महेश ना शरीरे गंभीर इजाओ देखाता तेओने तात्कालिक 108 एम्ब्युलेंस मार्फते वलसाड नी सिविल हॉस्पिटल में सारवार माटे खसेडवामां आव्या हता। ત્યારે ઇજાગ્રસ્ત મહેશની હાલત ગંભીર જણાઈ હતી, જેના શરીરે ઇજાઓના નિશાન સ્પષ્ટ દેખાઈ આવ્યા હતા, જે બાબતની જાણ પોલીસને થતા પોલીસે ઇજાગ્રસ્ત મહેશનો જવાબ લઈ આગળની તપાસ હાથ ધરી છે। ત્યારે ઇજાગ્રસ્ત મહેશ ટંડેલના પરિવારના લોકોએ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને આવી રીતે ઘરથી કામે લઈ જઈ જુલમ કરી ગંભીર હાલતમાં માર મારનાર હુમલા કરનાર બોટ માલિક સામે વલસાડ પોલીસ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરે એવી માંગ કરી હતી। NTC News, Valsad.